हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस का बेसिकली यूज करके हम वन पेज टू अनदर पेज कैसे डेटा को ट्रेवल करेंगे, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। हमें क्या करना है, सर्वलेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर का हमें यूज करना है। तो आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस का आपको यूज करके, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस क्या होता है। तो सर्वलेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ डिस्पैचिंग द रिक्वेस्ट टू अनदर रिसोर्स, इट मे बी एचटीएमएल, सर्वलेट और जेएसपी। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर रिक्वेस्ट डिस्पैचर का बेसिकली हम यूज करके डेटा को वन पेज टू अनदर पेज में डेटा को ट्रांसफर करते हैं, इसके लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड है फॉरवर्ड, दूसरा है इंक्लूड। हमें दो मेथड दिए गए हैं, फॉरवर्ड और इंक्लूड। अगर आप बेसिकली फॉरवर्ड मेथड का यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट रिक्वेस्ट जो है फर्स्ट सर्वलेट पेज से जो आपका रिस्पांस जनरेट होता है वो सेकंड सर्वलेट पेज में रिस्पांस सेंड होता है, और सेकंड पेज से आपको वहां पे क्लाइंट को जो भी रिस्पॉन्स होता है वो सेंड किया जाता है। और जो हमारा इंक्लूड मेथड होता है वो क्या करता है, सर्वलेट वन पेज से सर्वलेट टू की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको उसके रिस्पॉन्स को कलेक्ट करके सर्वलेट पेज वन में आता है, और सेम पेज में आपकी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन इंक्लूड की जाती है। इसके बारे में अभी हम एक एग्जांपल के साथ इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि सबसे पहले आपको यहाँ पे एक प्रोजेक्ट डिजाइन करना होगा। तो आपको फाइल न्यू न्यू पे यहाँ पे आने के बाद डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, देन यहाँ पे आपने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट का नेम लिया एग्जाम्पल थ्री। हमने यहाँ पे क्या किया, एक प्रोजेक्ट का नेम डिसाइड किया। आफ्टर दैट हम यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, यहाँ पे हमने एग्जांपल थ्री टाइप का एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एचटीएमएल पेज डिजाइन करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले राइट क्लिक वेब कंटेंट में जाकर न्यू, यहाँ पे हम एचटीएमएल फाइव, यहाँ पे आपको क्या करना है, हम यहाँ पे लॉगिन, हम यहाँ पे एक फॉर्म डिजाइन करेंगे, लॉगिन पेज, यहाँ पे फिनिश। तो सबसे पहले पहले आपको यहाँ पे एक लॉगिन पेज इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे टाइटल पे आपको लिखना है लॉगिन, लॉगिन फॉर्म, ठीक है। हमने यहाँ पे एक लॉगिन पेज डिजाइन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लॉगिन पेज डिजाइन करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक फॉर्म डिजाइन करना है। तो हमने यहाँ पे मैसेज दिया है, यहाँ पे हेडिंग हम दे रहे हैं, ठीक है। हमको यहाँ पे क्या, मैं हम यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं, यहां हमने एक मैसेज दिया। आफ्टर दैट हम यहाँ पे फॉर्म डिजाइन करेंगे। तो आपको लिखना होगा फॉर्म, हमको यहाँ पे क्या करना है, एक फॉर्म डिजाइन करना है। तो आपको लिखना है फॉर्म, यहाँ पे एक्शन, हम यहाँ पे फॉर्म ले रहे हैं जिसमें हम एक्शन लिखेंगे। एक्शन हमें किस पेज पे जाना है इसके लिए हमें दिखाना होगा। तो यहाँ पे हमने एक्शन मतलब हमें लॉगिन पेज में जाना होगा। तो हम यहाँ पे सर्वलेट पेज डिजाइन करेंगे लॉगिन टाइप का। तो हम यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन सेट कर दे हैं लॉगिन। हमें यहाँ पे मेथड सेलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे मेथड इज इक्वल टू, आप यहाँ पे गेट या पोस्ट मेथड यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक एक्शन परफॉर्म किया फॉर्म का, जिसमें हमने दिखाया कि हमने लॉगिन पेज में हमें सर्वलेट पेज में एक एक्शन परफॉर्म। सबसे पहले आपको यहाँ पे नेम एंटर करना होगा या फिर यूजर नेम जो भी आप लिखते हैं। तो सपोज हमने यूजर नेम, हमने क्या करना है, यूजर नेम या फिर यहाँ पे ईमेल आप एंटर कर सकते हैं। यूजर नेम आप यहाँ ईमेल लिख दीजिए, हमने क्या किया यूजर ईमेल दिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इनपुट टाइप आपको क्या लिखना है, यूजर ईमेल, और आपको यहाँ पे लिखना है इनपुट टाइप, क्या लिखना है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, यहाँ लिखना होगा टेक्स्ट या फिर ईमेल भी लिख सकते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट। हमने यहाँ पे नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे
ईमेल, हमने क्या किया, इनपुट टाइप नेम, यहाँ पे हमने लिया ईमेल, और फिर यहाँ पे इस तरीके से अब हमें लाइन को ब्रेक करना है, तो हमने यहाँ पे br टैब यूज किया। अब यूजर ईमेल हो गया, अब आपको पासवर्ड एंटर करना होगा, तो हमने यहाँ पे हमें क्या करना है, पासवर्ड एंटर करना है, तो आपको यहाँ लिखना होगा पासवर्ड में इनपुट टाइप, एक मिनट, क्या लिखना होगा पासवर्ड में, इनपुट टाइप, इनपुट टाइप यहाँ पे लिखना होगा, हमने यहाँ पे टेक्स्ट, हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं जिसमें हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट, यहाँ पे नेम इज इक्वल टू, आप यहाँ पे हमने पास, पासवर्ड के लिए हमने पास यूज किया यहाँ पे, फिर हमने लाइन को ब्रेक किया इस तरीके से। आपको हमने क्या किया, सबसे पहले एक ईमेल एंटर किया और यहाँ पे एक पासवर्ड एंटर किया। अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करना होगा, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा, क्या लिखना होगा, इनपुट टाइप इक्वल टू, इनपुट टाइप में क्या लेना है, सबमिट या फिर लॉग इन, जो भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे इनपुट टाइप आपको सबमिट लिखना है, और यहाँ पे वैल्यू, वैल्यू आपको लॉगिन लिखना है, वैल्यू क्या लिखेंगे आप, लॉगिन, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, एक फॉर्म डिजाइन किया, देखिए फॉर्म कैसा डिजाइन हो रहा है, राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वो, ये आपका एचटीएमएल पेज है, यहाँ देखिए हमने यहाँ पे एक फॉर्म डिजाइन किया है, यहाँ तक आप देखिए रन हो रहा है, एक मिनट, ये इस तरीके से लॉग इन टू योर अकाउंट एक मैसेज हमने दिया है, यहाँ पे यूजर ईमेल और पासवर्ड, यहाँ आपका लॉग इन, ठीक है, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे एक लॉग इन पेज, आपने इंडेक्स डॉट एच, मतलब लॉग इन डॉट एच टी एम एल पेज डिजाइन किया है, अब आपको यहाँ देखिए सर्वलेट पेज डिजाइन करना है, किस नाम का, लॉग इन टाइप का, क्या करना है, सर्वलेट पेज डिजाइन करना है, तो आपको जावा रिसोर्स में आना होगा, यहाँ SRC, राइट क्लिक, न्यू, यहाँ पे आपको सर्वलेट पेज सेलेक्ट करना है, यहाँ पे देखिए सर्वलेट नेम, यहाँ पे हमने लॉग इन लिखा, सर्वलेट का नेम हमने क्या डिफाइन किया, लॉग, लॉग इन करने के बाद यहाँ नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, आफ्टर दैट नेक्स्ट, देन यहाँ फिनिश बटन पे क्लिक करना, जैसे आप फिनिश पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आपको पेज ओपन हो जाएगा, मतलब एक सर्वलेट पेज डिजाइन हो जाएगा। अब इस पर्टिकुलर सर्वलेट पेज में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रेड रेड स्पॉट दिख रहे हैं, ये रेड स्पॉट जो आपको दर्शा रहे हैं एरर शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आपने लाइब्रेरी यूज किया है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। सबसे पहले आप यहाँ पे लाइब्रेरी ऐड करना होगा, तो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जाना है, राइट क्लिक, यहाँ पे बिल्ड पाथ, कॉन्फिगर बिल्ड पाथ, यहाँ पे आपको लाइब्रेरी पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लास पाथ का ऑप्शन दिखेगा, देन ऐड एक्सटर्नल जार, आपको एक जार फाइल ऐड करना है, कौन सी जार फाइल ऐड करना है, सर्वलेट API, यहाँ पे देखिए सर्वलेट API जार फाइल को ऐड करना है, अप्लाई, आफ्टर दैट ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट में आना है, और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल, अप्लाई, देन अप्लाई एंड क्लोज, जैसे आप ये परफॉर्म करते हैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना लॉग इन पेज देखना है, यहाँ पे देखिए लॉग इन में हमने मेथड यूज किया है पोस्ट, आपको क्या करना है, पोस्ट मेथड में ईमेल और पासवर्ड को रीड करना है, जो आपकी ईमेल और पासवर्ड की इंफॉर्मेशन है उसको आपको क्या करना है, लॉग इन पेज में रीड करने के लिए आपको यहाँ पे पोस्ट मेथड में ये डेटा आपको, मतलब कोड डिफाइन करना होगा, तो पोस्ट मेथड में आपको क्या लिखना है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पोस्ट मेथड में क्या करना है, आपको यहाँ पे पोस्ट मेथड में आना है, यहाँ पे आपको लिखना है रिस्पॉन्स, यहाँ पे लिखना है रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, ये लिखा है ना, सेट कंटेंट टाइप, यहाँ पे यूज करना है टेक्स्ट या HTML, हमने क्या किया रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट या HTML यहाँ पे यूज किया। अब आपको यहाँ पे प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, तो आपको लिखना होगा प्रिंट राइटर, क्या लिखना होगा, प्रिंट राइटर आउट इक्वल टू, यहाँ पे लिखना होगा रिस्पॉन्स डॉट
गेट राइटर, आपको क्या यूज करना है, प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है प्रिंट मैसेज के लिए। अब यहाँ पे एरर शो हो रही है तो आपको यहाँ पे जावा डॉट, यहाँ पे देखिए आईओ पैकेज आपको इम्पोर्ट कर लेना है। हमने क्या किया, यहाँ पे आईओ पैकेज यूज किया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आपको पैरामीटर की इंफॉर्मेशन, जो आपने लॉगिन पेज में यहाँ पे देखिए पैरामीटर लिया है ईमेल और पासवर्ड, यहाँ पे आपने क्या लिया है ईमेल, इसको आप इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को आपको क्या करना है रीड करना है। तो रीड करने के लिए क्या करना होगा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन पेज में आना है, यहाँ पे स्ट्रिंग आपको यहाँ पे लिखना होगा, स्ट्रिंग ईमेल, क्या लिखना है स्ट्रिंग ईमेल इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखना है स्ट्रिंग ईमेल इक्वल टू रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, क्या करना है रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहाँ आपको पैरामीटर का नेम डिफाइन करना है। पैरामीटर का नेम क्या होगा आपका, यहाँ पे जो आपने फॉर्म सेलेक्ट किया है यहाँ पे जो पैरामीटर का आपने नेम सेलेक्ट किया है वही सेम नेम आपका होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो ये इन्फॉर्मेशन आप रीड नहीं कर पाएंगे। हमने यहाँ पे पैरामीटर को गेट किया। सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पे यहाँ पे पासवर्ड रीड करना है, तो हमने पासवर्ड लिया, यहाँ पे लिखा रिक्वेस्ट डॉट गेट, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, हमने क्या किया रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, यहाँ पे पासवर्ड को रीड किया। हमने क्या किया, यहाँ पे जो भी आपने ईमेल एंटर किया उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को रीड किया और हमने यहाँ पे पासवर्ड को रीड किया। जैसे आपने ये दो इन्फॉर्मेशन रीड किया, अगर आपने यूजर ने यहाँ पे सपोज ईमेल कुछ एंटर किया और पासवर्ड, तो यहाँ पे हमें क्या करना है लॉगिन परफॉर्म करना है, जिसके लिए आपको यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई करना होगा। हम यहाँ पे इफ कंडीशन अप्लाई करेंगे, इस कंडीशन पे आपको लिखना क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करें। सबसे पहले हमें क्या करना है, ईमेल जो आपने ईमेल लिया है ईमेल डॉट इक्वल्स, यहाँ पे ई क्यू ईमेल डॉट इक्वल्स, आपको यहाँ पे हमने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया, अगर सपोज आपकी ईमेल जो है वो कोडर बनू एट द रेट जीमेल डॉट कॉम, अगर आपकी जो ईमेल है वो अगर कोडर बनू एट द रेट जीमेल डॉट कॉम एंटर करते हैं, एंड हमने क्या किया एंड जो आपका पासवर्ड है पासवर्ड डॉट इक्वल्स, यहाँ पे हमने एक पासवर्ड फील्ड लिया, अगर सपोज आपने ईमेल कोडर बनू एट द रेट जीमेल डॉट कॉम एंड जो आपका पासवर्ड है अगर आपने 12345 एंटर किया देन ये लॉगिन परफॉर्म होगा, नहीं तो ये लॉगिन परफॉर्म नहीं होगा। मतलब अगर ये फील्ड ये कंडीशन अगर ट्रू होती है देन ये फील्ड एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो ये फील्ड एग्जीक्यूट नहीं होगी, मतलब आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले एक मैसेज दिया, अगर आपका ये ईमेल इक्वल होता है और पासवर्ड ये दिस फील्ड के इक्वल होता है देन ये लॉगिन परफॉर्म होगा। अगर लॉगिन परफॉर्म होगा तो हमें क्या करना है इस पर्टिकुलर पेज की इंफॉर्मेशन को सेकेंड पेज में हमें ट्रांसफर करना है, सेंड करना है, नहीं तो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एल्स पार्ट में हमें इंक्लूड करना है। मतलब हमें क्या करना है रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज करके डेटा को वन पेज से दूसरे पेज में यहाँ पे डेटा को इंफॉर्मेशन को सेंड करना है। तो यहाँ पे हमें फॉरवर्ड मेथड यूज करना होगा, इसके लिए हमें क्या करना है रिक्वेस्ट, हमें क्या करना है रिक्वेस्ट डिस्पैचर, आपको क्या लिखना है रिक्वेस्ट डिस्पैचर, रिक्वेस्ट डिस्पैचर, यहाँ पे एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आर डी रिक्वेस्ट डिस्पैचर आर डी इक्वल टू रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट डिस्पैचर आर डी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट,
यहां पे लिखना है गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर यहाँ पे, और जिस पेज पे आपको इन्फॉर्मेशन को सेंड करना है उस पर्टिकुलर पेज का यहाँ पे नाम डिफाइन करना है। तो हमने यहाँ पे लॉगिन पेज को, हमने यहाँ पे मान लीजिए हमें एक पेज सेकंड पेज लेना है, तो हमने यहाँ पे ले लिया मान लीजिए लॉगिन सक्सेस, हमने पेज का नाम लिया सक्सेस। एक मिनट, ठीक है, हमने क्या करना है रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज करके वन पेज की इंफॉर्मेशन को अंदर पेज में सेंड करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा रिक्वेस्ट डिस्पैचर rd इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर सक्सेस पेज में हमें इंफॉर्मेशन को सेंड करना है। तो हमने पैकेज इंपोर्ट कर लिया। आफ्टर दैट अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करना होगा, तो आपको लिखना होगा rd डॉट, यहाँ पे देखिए आपको मेथड दिखेगा फॉरवर्ड, rd डॉट फॉरवर्ड ये लिखा हुआ है, यहाँ पे रिक्वेस्ट, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है रिक्वेस्ट और यहाँ पे रिस्पॉन्स। हमने क्या किया, ये रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज करके हमने इंफॉर्मेशन को सक्सेस पेज में सेंड कर दिया। अब अगर सपोज ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए आपका ये कंडीशन क्या होती है, ये कंडीशन सपोज फॉल्स होती है, देन एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, मतलब जो आपकी इंफॉर्मेशन वन पेज की इंफॉर्मेशन अदर पेज में सेंड नहीं होगी, देन आपको यहाँ पे एरर मैसेज शो करना होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा यहाँ पे आउट डॉट प्रिंट, हम यहाँ पे एक मैसेज पहले देंगे, इस मैसेज में क्या लिखेंगे, हमने यहाँ पे लिख दिया सॉरी, यहाँ पे यूजर ईमेल एंड क्या लिखेंगे, सॉरी यूजर ईमेल एंड पासवर्ड, ईमेल पासवर्ड एरर, हमने क्या मैसेज शो किया सॉरी ईमेल एंड पासवर्ड एरर। अब आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यहाँ पे भी यूज करना है और इंफॉर्मेशन को सेंड करनी है, तो आपको यहाँ पे हमने यहाँ पे कॉपी किया, हमने रिक्वेस्ट डिस्पैचर यहाँ पे जो पेज की इंफॉर्मेशन है हम ये सेम पेज में सेंड कर देंगे, तो आपका पेज का नाम है लॉगिन डॉट एच टी एम एल। हमें क्या करना है, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज करके यहाँ पे लिखना है आर डी डॉट इंक्लूड, यहाँ पे क्या लिखना है आर डी डॉट इंक्लूड, मतलब सेम पेज में आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स यहाँ पे मैसेज शो करना, मतलब कहने का मतलब सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉग इन पेज क्रिएट करना है, लॉग इन पेज की इंफॉर्मेशन को हमने यहाँ पे रीड किया, अगर वो जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है वो अगर यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड अगर मैच हो जाता है देन ये इंफॉर्मेशन आपको सक्सेस पेज पे सेंड हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे आपको लॉगिन डॉट एचटीएमएल पेज में आपकी इंफॉर्मेशन सेंड की जाएगी, मतलब उस पर्टिकुलर सेम पेज में आपकी इंफॉर्मेशन इंक्लूड हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा। अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हमने सक्सेस नाम का एक सर्वलेट पेज आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा, तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक, यहाँ पे न्यू, सबसे पहले आपको क्या करना है राइट क्लिक यहाँ पे न्यू पे आपको सर्वलेट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे सर्वलेट का नेम आपको सक्सेस हमने लिखा है, सक्सेस डिफाइन करना है, नेक्स्ट यहाँ पे फिनिश, आपको क्या करना है नेक्स्ट फिनिश लिखना है। अब इस यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सक्सेस पेज में आपकी इंफॉर्मेशन को लिखना है, हमने यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, यहाँ पे आपको लिखना होगा टेक्स्ट या HTML, आपको लिखना है टेक्स्ट या HTML, फिर आपको प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, प्रिंट राइटर आउट इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट
गेट राइटर, हमने यहाँ पे प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है। जैसे प्रिंट राइटर को आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, अब आपको क्या करना है, जो आपने यहाँ पे लॉगिन पेज यूज किया है उसकी इंफॉर्मेशन को आपको रीड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे पैकेज इंपोर्ट कर लेना है, यहाँ भी तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देन आपको यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग, आपको लिखना है स्ट्रिंग ईमेल, स्ट्रिंग ईमेल टाइप का एक वेरिएबल लिया इज इक्वल टू रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। और यहाँ पे आपको ये पैरामीटर देखना है, पैरामीटर का नेम आपको क्या है, ईमेल है, क्या है, ईमेल। तो यहाँ पे हमने सक्सेस मैसेज में इस ईमेल को रीड, इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को रीड करना है सेकेंड पेज में, तो हमने यहाँ पे ईमेल लिखा। अब इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को आपको प्रिंट करना है, तो हमने यहाँ पे लिखा आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे लिखा और यहाँ मैसेज दे दिया हमने वेलकम, वेलकम। और यहां पे हमने लिखा प्लस और हमने ईमेल को प्रिंट कर लिया। इससे पहले हम यहां पे एक और मैसेज देते रहे, हमने क्या किया, लॉगिन सक्सेस यहाँ पे लिखा और यहाँ पे वेलकम मैसेज प्रिंट किया। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, एक लॉगिन पेज डिजाइन किया, लॉगिन पेज में हमने यूजर ईमेल और पासवर्ड एंटर किया। जैसे आप सबमिट बटन, यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका पेज क्या सबमिट होगा और आपको यहाँ पे लॉगिन डॉट सर्वलेट, लॉगिन डॉट जावा पेज पे आपकी इंफॉर्मेशन सेंड हो जाएगी। जैसे लॉगिन डॉट जावा पे इंफॉर्मेशन आपकी सेंड होगी, देन आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, सबसे पहले वहां पे ध्यान से देखिएगा, लॉगिन डॉट एचटीएमएल में हमने यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज किया, तो आपको लॉगिन डॉट जावा में आना है और यहाँ पे पोस्ट मेथड को देखना है और इस पर्टिकुलर पोस्ट मेथड में रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप आपको डिफाइन करना है टेक्स्ट या एचटीएमएल, देन प्रिंट राइटर को ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है, देन आपको यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन को रीड करनी है, मतलब गेट पैरामीटर का यूज करके वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को आपको रीड कर लेना है। अगर सपोज आपने यहाँ पे ईमेल में अगर आपने coderbanu@gmail.com लिखा है और पासवर्ड आपने 12345 एंटर किया है, देन आपकी लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगी और यहाँ पे आपको success.java पेज पे आपको इंफॉर्मेशन सेंड कर दी जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है, देन आप सेम पेज में आपको एक एरर मैसेज होगा, सॉरी यूजर नेम एंड पासवर्ड एरर, और आपको उस पेज आपको login.html, मतलब सेम पेज में इंफॉर्मेशन आपकी सेंड कर दी जाएगी। अगर आप यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुली होती तो आप success.java पेज में आएंगे और यहाँ पे आपको मैसेज मिलेगा लॉगिन सक्सेस वेलकम कोडर बन, ठीक है, इस तरीके से आपको एक मैसेज शो होगा। अब इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को हम रन करते हैं, तो सबसे पहले हम राइट क्लिक यहाँ पे रन एज, आपको login.html पेज को रन करना है और हमने यहाँ पे रन ऑन सर्वर पे क्लिक किया, यहाँ पे नेक्स्ट और यहाँ पे रिमूव ऑल और यहाँ पे फिनिश बटन को क्लिक किया। जैसे आप क्लिक करेंगे रजिस्टर सर्वर का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए अब आपका पेज रन हो रहा है। जैसे आपका रनिंग होगा पेज, इस तरीके से इंफॉर्मेशन आपके पेज के पास आ जाएगी। यहाँ पे देखिए यहाँ इंफॉर्मेशन है लॉग इन टू योर अकाउंट। अब हम यहाँ पे सपोज दे रहे हैं यहाँ पे coder@gmail, हमने यहाँ पे रॉन्ग लिखा और पासवर्ड हमने 1245 कुछ भी ऐसे 123456 लिखा। और जैसे हमने लॉगिन बटन को क्लिक किया, यहाँ पे देखिए सॉरी यूजर नेम एंड पासवर्ड एरर करके यहाँ पे मैसेज आ रहा है, मतलब जो आपने पेज अभी डिफाइन किया था वहां पे जो आपका यूजर नेम और पासवर्ड है वहां पे वो पर्टिकुलर फील्ड मैच नहीं हो रही है, इसलिए आपको मैसेज क्या मिल रहा है, सॉरी यूजर नेम एंड पासवर्ड एरर, इस तरीके से ऑप्शन शो हो रहा है।
मतलब आपकी पेज सेम पेज में इंक्लूड हो जा रहा है, मतलब रिक्वेस्ट डिस्पैचर जो आप यूज कर रहे हैं वो सेम पेज में आपके इंफॉर्मेशन को इंक्लूड कर दे रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपने जो कोड लिखा है यहाँ पे, जो आपने लॉग इन पेज में देखिए, आपने यहाँ पे लिखा है coderbanu@gmail.com, आपको यही सेम लिखना है। हम यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे ईमेल दिया, सपोज coderbanu@gmail.com, हमने क्या लिखा, coderbanu@gmail.com, पासवर्ड हमने लिखा 12345, हमने क्या लिखा coderbanu@gmail.com, पासवर्ड दिया 12345 और हमने लॉगिन बटन पे क्लिक किया। यहाँ देखिए आपकी लॉगिन सक्सेस यहाँ पे देखिए मैसेज आ रहा है और वेलकम coderbanu@gmail.com, मतलब जो आपकी इंफॉर्मेशन थी फर्स्ट पेज की इंफॉर्मेशन थी वो देखिए सेकेंड पेज में हमने वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को रीड कर लिया है। इस तरीके से आपको क्या करना है, फर्स्ट पेज की इंफॉर्मेशन को सेकेंड पेज में कैसे रीड करना है रिक्वेस्ट डिस्पैचर के थ्रू, वो उसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। यहाँ पे देखिए लॉगिन सक्सेस वेलकम coderbanu@gmail.com, मतलब ये जो coderbanu@gmail.com है वो हमने फर्स्ट पेज में इसकी इंफॉर्मेशन को लिखा हुआ था, उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमने सेकेंड पेज में रीड किया है। तो इस पर्टिकुलर टेक्निक को आप अप्लाई करके आप ये प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।